तो दोस्तों आज हमारे पास है मैग्नेट कोयल और मल्टीमीटर। मल्टीमीटर की मदद से दोस्तों हम इसकी मैग्नेट कोयल की जितनी भी कोयल होती है इसके अंदर, जो हमारी ये स्टार्टिंग कोयल होती है और ये लाइट कोयल और चार्जिंग कोयल और ये दोस्तों अपना पिकअप कोयल होता है, इन सबको हम मल्टीमीटर की मदद से आज चेक करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि स्टार्टिंग कोयल जब खराब हो जाती है तो उसकी कितनी रीडिंग आती है कितनी नहीं, और लाइट वाली कोयल खराब हो जाती है तो इसकी कितनी रीडिंग आती है, और पिकअप कोयल खराब हो जाती है तो इसकी कितनी रीडिंग आती है, और सही होती है तो दोस्तों कितनी रीडिंग आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सब आपको ये बताने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल अगर अकबर बाइक डॉक्टर पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को आप ऑल पे सेट कर दें, वो इसलिए न्यू वीडियो जब भी डालें सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका कपलर देख लेते हैं कितनी वायर होती है दोस्तों इस कपलर के अंदर। तो दोस्तों इस कपलर के अंदर कुछ इस तरह से एक कपलर बना होता है जिसमें एक कपलर में दोस्तों ये 4 वायर लगी होती है, यानी कि 4 वायर लगी होती है, और दो कपलर होते हैं इसके इस तरह से अलग अलग, इसमें एक एक वायर लगी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी वायरिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये जो वायर है दोस्तों आप ब्लैक पे रेड धारी देख पा रहे होंगे, ये जो मेरे हाथ में है इस टाइम, ये दोस्तों स्टार्टिंग कोयल की वायर होती है, यहाँ से निकल कर आती है ये और ये आकर के इस वाले सॉकेट में लग जाती है। उसके बाद में जो नीले पे सफेद धारी है दोस्तों ये होती है अपने पिकअप कोयल की, जो ये पिकअप कोयल लगी होती है। उसके बाद में मैं आपको बतला दूं, जो आप ये देख पा रहे होंगे ब्राउन पे रेड धारी ये वाली वायर, ये दोस्तों न्यूट्रल की होती है, जब अपनी बाइक गियर से निकल जाती है तो इस वाली वायर में सप्लाई जाती है और अपना न्यूट्रल जल जाता है। उसके बाद में आप ये देख पा रहे होंगे येलो यानी कि पीली धारी, ये दोस्तों लाइट की होती है। और उसके बाद में मैं बता दूं आपको ये वाइट वायर है बिल्कुल सफेद, दोस्तों ये चार्जिंग की होती है, जो अपनी बैटरी चार्ज करती है, RR यूनिट में जाता है ये, उसके बाद में बैटरी पे करंट पहुंचाता है अपना RR यूनिट और बैटरी को चार्ज करने लगता है। उसके बाद में एक वायर बची है दोस्तों इसकी ग्रीन ग्राउंड, यानी कि जो ये ग्रीन वायर है ये दोस्तों अर्थिंग की है। तो मैंने इस वीडियो में आपको वायरिंग के बारे में बता दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों मल्टीमीटर की मदद से मैं चेक करूंगा अपनी पिकअप कोयल और आपको दिखाऊंगा कितनी रीडिंग आती है इसकी। तो दोस्तों सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को हम इस वाले पॉइंट पे बीप पे सेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अगर आप पिकअप कोयल चेक कर रहे हैं तो अपने मल्टीमीटर को बीप पे सेट कर लेना है, और जो ये लाल वाली वायर है नोब है अपने मल्टीमीटर की, इसको दोस्तों जो अपना पिकअप कोयल का पॉजिटिव वायर है ये नीले पे सफेद धारी इसके अंदर इस तरह से लगा देना है, और दोस्तों जो अपनी ब्लैक वाली वायर है इसको जो ग्राउंड है ग्रीन इसके अंदर कुछ इस तरह से दोस्तों आपको लगा देना है। और आप ये मीटर में रीडिंग देख पा रहे होंगे कितनी आ रही है दोस्तों 171 यानी ये 171, जो अपनी पिकअप कोयल है बिल्कुल परफेक्ट है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अपनी जो है ये स्टार्टिंग कोयल, मैं थोड़ा करीब से दिखा दूं, ये जो स्टार्टिंग कोयल है इसको चेक करेंगे मल्टीमीटर को अपने, ये ओम्स का चिन्ह है दोस्तों, तो 2000 ओम्स पे इस तरह से इसको लगा देना है। उसके बाद में जो अपनी ये वायर में दिखा दूं, जो ये ब्लैक पे रेड धारी है इसके अंदर अपना मल्टीमीटर का लाल वाला वायर इसके अंदर लगा देना है, और ब्लैक वाला जो है दोस्तों अपना ग्राउंड में यानी कि हरी वायर में लगा देना है अर्थिंग में। और दोस्तों इसमें मीटर में आपको रीडिंग दिख जाएगी, मैं आपको दिखा दूं कि मैंने दोनों वायर लगा रखी हैं इस तरह से, शायद ये हिल गई है दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं थोड़ा तरह से, आप ये मीटर में दोस्तों रीडिंग देख पा रहे होंगे 295, यानी कि जो हमारी स्टार्टिंग कोयल है दोस्तों वो भी बिल्कुल ठीक है परफेक्ट है। उसके बाद में हम चेक करेंगे इसकी लाइट वाली और चार्जिंग वाली कोयल को, तो मल्टीमीटर को अपने दोस्तों ये जो ओम्स का चिन्ह है 200 ओम्स पे सेट करना है। तो आपको मल्टीमीटर आपकी अगर मल्टीमीटर की लाइफ ज्यादा रखनी है तो आपको बिल्कुल सीधा चलाना है इस तरह से, जैसे कि अपनी सुई चलती है घड़ी की इस तरह से आपको चलाना है। तो ये मैंने सेट कर दिया है 200 ओम्स पे। उसके बाद में दोस्तों जो अपनी ये रेड वाली वायर है पहले चेक करते हैं हम दोस्तों इसकी लाइट वाली वायर वो लाइट वाली कोयल, तो ये जो अपनी रेड वाली वायर है मल्टीमीटर की हमने येलो वायर के इसके अंदर लगा दी है, और जो ब्लैक वाली वायर है दोस्तों इसको ग्राउंड में लगाते हैं हम कुछ इस तरह से, और मल्टीमीटर में आप ये रीडिंग देख पा रहे होंगे 1.6-1.7 के आसपास आ रही है, जो इसकी ये कोयल है ये भी परफेक्ट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में दोस्तों
ये चार्जिंग वाली जो कॉइल होती है उसको चेक करेंगे। तो दोस्तों जो अपना मल्टीमीटर है ये हमें 200 ओम से ही सेट रहने देना है, और जो अपनी रेड वाली वायर है मल्टीमीटर की ये नोब इसके अंदर सफेद वाली वायर के अंदर कुछ इस तरह से लगा देनी है। उसके बाद में जो ब्लैक वाली वायर है ये ग्राउंड में यानी कि अर्थिंग में कुछ इस तरह से लगा देनी है हमें, और जो अपना मल्टीमीटर है उसमें दोस्तों रीडिंग आ जाएगी निकल के 1.7, यानी कि जो हमारी चार्जिंग वाली कोयल है ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों अगर आपकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है स्टार्टिंग को लेकर के और जो चार्जिंग को लेकर के या फिर हेडलाइट को लेकर के, तो आप अगर आपके पास ओल्ड मॉडल बाइक है तो इस तरह से आप उसकी सारी कोयल है एक मल्टीमीटर के मदद से 2 मिनट में यूं दोस्तों चुटकियों में आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर दोस्तों वीडियो बनाऊंगा और आपकी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बता देना है, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।